हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, आज है संडे और संडे है आज ही के दिन होता है कि हम लोग घर पर रुकते हैं एक हफ्ते के बाद, और आज ही के दिन आराम से मस्त से सोते हैं। लेकिन आज लग रहा है हमारे खेत में धान, और हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। लेकिन पनीर के परौठे थे तो मैं आधा हाथ में लेकर खाते खाते चलूँगी, क्योंकि ज़्यादा दूर पर है नहीं, यहीं पर बस घर से निकलूँगी और खेत आ जाएगा। मैंने आपको पिछली व्लॉग में दिखाया होगा कि हमारा खेत कितनी दूर है, और सुबह गेहूँ काटते वक्त भी हमने आपको दिखाया था, और भी जब हम लोग खेत सींचने गए थे तभी भी मैंने आपको दिखाया था अपना खेत कि घर से कितना दूर है। तो सभी लोग गए हैं खेत में, हम लोग रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी वहीं पर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दीवान सोकर आ गया और बेबी वहाँ पर है। बेबीज भी चल रही है, सृष्टि अभी नाश्ता कर रही है, तो नाश्ता कर लेती है, हम लोग चलते हैं, तब तक वो आएगी। गाइस ये देखिए, अभी हम लोग खेत में आ गए हैं। वहाँ पर बड़ी मम्मी और दीवान से वो लोग जो धान का बिया है उसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल कर उसकी गड्ढी बना कर फिर उसके बाद ऐसे ही देखिए, देखिए कितने देर सारा यहाँ पर पानी डूब गया है। पानी भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बहुत ठंडा ठंडा पानी है। तो अभी वो देखिए, वहाँ पर चाचा और उज्जवल ना वहाँ पर मेड़ी बना रहे हैं, और इतना ज़्यादा पानी भर गया है ना, पानी भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। और ये पानी देखिए, कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना रात को, पूरा पानी भर गया। और अभी वहाँ पर बड़ी मम्मी और दीवांश वो लोग अभी निकाल रहे हैं, गड्ढी बांधेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चप्पल उतार, ये देखिए, नहीं तो चप्पल ना टूट जाएगा। ये देखिए कितना ढेर सारा पानी भर गया है, पूरा खेत ही खेत पानी पानी हो गया है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा, और इस साइड भी भर गया है। ये देखिए, ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर अभी। ये देखिए पूरा एकदम पानी पानी हो गया है। ये देखिए, यही है हम लोगों का घर वहाँ पर। और वो देखिए, श्री घूम कर आ रही है चाचा के साथ। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा पैर हम लोगों का अंदर घुस जा रहा है। आ गई है, उधर है, उधर ही है। हाँ, से ही है। एकदम नीचे हाथ लगाएंगे, पता है उधर छोटा छोटा है, इधर बड़े बड़े। कौन सा सही सी जोड़ते हैं? ये वाला बड़की में बारी है तो मैं इधर से शुरू करता हूँ। चॉकलेट वाला पानी धान लगावा। मजा आया अभी तो, तुम खाना ही खा रही हो श्री? वो तो खाना ही खा रही हो, खाना खा के आओ तो धान लगाओ। मैं तो डूब जाऊंगी, डूब जाएगी पक्का। है ये पानी सोच रहे, कमर तक आएगा वरना, लेकिन चली नहीं पाएगी इतनी पानी। मम्मी है आइला तेरे, देख ओके दे। करोगी अभी क्या? करने आई हो खेत? खेत क्या करने आई हो? नाम लगाने आई हो? तो होता ही नहीं, डर लगता है। वहीं उसमें गिर जाऊंगा, वहीं उसमें गिर, लेकिन आज मैं तुम्हें गिर।
मार देंगे अभी सिस्टर, धक्का मत दो। बेबी जा रही है दीदी के साथ पानी फेंका हुआ करने। वो पारू जाके बेबी तो गाइस ये देखिए अभी मेरी बन रही है, सभी लड़के आ गए, उज्जवल कुंवर चाचा भी है, साइड साइड है राज और दीवांश मेड़ी बना रहे हैं, उसके बाद धान रोपाई होगी, बहुत मज़ा आएगा अभी इसमें। और इस साइड जो है बड़ी मम्मी और चाची भी आ गई हैं, बेबी और सिस्टी जा रही हैं घर। देखिए गाइस हमारे खेत के बगल में भी एक लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और बेबी खाली ही आई है खड़ी होने के लिए, कोई काम वाम ना कर रही है, बस पोज मारने के लिए पानी में खड़ी है। हाँ बस पोज मारने के लिए खड़ी है। बेबी देखो बस खड़ी होके खाली इधर से उधर मट्टी कर रही है, खेल रही है, कोई काम तो है नहीं, बस फालतू पानी में खड़ी होके वीडियो बना रही है, नाम कर रही है नाम। हाँ कि पानी जाके पार है, बस एक गड्ढी पार हो गई, और तुम बता रही हो बड़ी हमें सुधर लिया, अपना नहीं बता रही है वैसे सेम पिच। अरे तुम पानी में जाने डर रही हो, हाँ पानी कितना गहरा है ये। गाइस कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, हम लोग भी झूलेंगे, अभी नहीं अभी तो हम लोग धान लगा रहे हैं। बेबी ट्रेन आ गई है, चल बेबी घर गए बादी मावल जाई तक होवा दे काम। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, आधा आधा घंटा ज़्यादा हो गया, कम से कम 50 मिनट हो गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, पानी वगैरह पी कर आएंगे। और मैं फर्स्ट टाइम धान लगा रही हूँ, पहली बार, आपको लग रहा होगा कि हाँ गांव में रहती तो लगाती होगी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मैंने कभी लगाया नहीं था। अभी पानी पिया लिए, देखिए घर आते ही सृष्टि और बेबी झूला झूलने लगी और ये लोग भी आए हैं पानी पीने के लिए। तो अभी हम लोग पानी पीने के बाद फिर चलेंगे खेत, तो फिर वहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग आपको अपना दूसरा वाला खेत दिखाते हैं जिसमें जोनहरी बोई गई है, अभी देखिए बहुत छोटा छोटा है, अभी आपको दिखाते हैं। गाइज ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं हो गए हैं, घास भी है ना बहुत, इसलिए पता नहीं चल रहा। ये देखिए अब पता चल रहा होगा, इस पूरे खेत में जोनहरी बोई गई है, जिसको कहते हैं भुट्टा शहर की लैंग्वेज, हमारे यहाँ इसको जोनहरी बोलते हैं। और ये देखिए अभी चाचा हम लोगों का वेट कर रहे हैं कि हम लोग जाएं और धान की रोपाई शुरू हो, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा है, करिश्मा दीदी उज्जवल बेबी वगैरह, तो अभी वो लोग आ जाती हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे धान की रोपाई करने। मतलब प्यार की भाषा किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग डंडा लेके जा रहे हैं सबको बुलाने के लिए। और अच्छा हुआ था यार धूप नहीं थी, लेकिन अभी धूप भी निकल रही है, इतनी कड़ाकेदार निकल रही है, पता नहीं कैसे रोपेंगे फिर हम लोग। अभी डंडे का काम करेगा, अब ये डंडा हमारा काम करेगा। जीरा नींबू जीरा बनी खाला,
खास नहीं किया वो। हां लपटा तो देख ही देखा सब लोग। दखाली धूप भी निकल गई है, अभी को आ रहे हैं सब लोग लगाने धान। नहीं मैं नहीं आने वाली। आई जो ना कैसे बनी ना बन पाई तो। हाँ आओ अंदर में आओ। वो नारा ये गाइज मैं पानी के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कछुए से। मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे कछुए से डर लगता है। और ये लोग पगला भी रही हैं इसी में, और पता नहीं कहाँ कहाँ सारे बीए फेंक रही हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है, मुझे तो पानी देखकर ही लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत ढेर सारे कछुए होंगे। अब इतना पूरा लगेगा धान, ओ माय गॉड बहुत टाइम लगेगा। चाचा इन लोगों को बता रहे हैं कैसे दो दो दाना, दो दो बीए या फिर कैसे कैसे लगाना है। दीदी तो फर्स्ट टाइम लगा रही है, उसको तो बताना ज़रूरी है। स्टार्टिंग कर दिया इन लोगों ने। हेलो कहाँ कहाँ बोल रहे हो? तो गाइस रूट साइड से हम लोग इस साइड आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। अब ये देखिए कैसा लगा है, ये वाली लाइन मैंने लगाई है एकदम खराब लगा ना, एकदम सही लगा ना। ये पिछवा जवा के रखी जल्दी जल्दी काम है, पति लिए ही तो है जल्दी के चला रखी है कि अल्लाह अल्लाह ये तो मैं पिछवा लगी पर तुम मैं चला गया के धमका गाड़ा पे पीछे बिया सिवानी एकदम पीछे है। सिवानी का साथ देने के लिए आ रहे हैं आगे, ये लगाने ही नहीं आता। तो डिजाइन सिवानी दी अभी सीख रही हैं। हम सीखा था हमको, हम मैं तो बेबी नहीं लगा रही हूं, कहां लगाई ले शिवानी भी भाग गई। आ शिवानी तो गई जी, देखिए धान अभी लग रहा है, हम लोग को लगाने नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग भाग आए। भाग के आ रही है और जो धान रोपते हैं वो मिले नहीं, भी आने आ रहे हम तो जाते घरे। तो गाइस ये देखिए मेरे पैर की हालत क्या हुई है। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ घर, और घर पर अभी कोई भी नहीं है। मैं जा रही हूँ आराम से मस्त से नहा धो के पढ़ूंगी लिखूंगी, क्योंकि मैं पहले भी चली गई थी वहाँ पर, तो इसीलिए आज की देखिए कैसे हो गए हैं एकदम। अभी मैं जा रही हूँ नहाने धोने के बाद फिर पढ़ूंगी लिखूंगी। तो ऐसे ही धान रोप रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगा रोकने में, फिर शाम को भी जाना पड़ेगा। तो मैं बोली यार आती हूँ फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ आराम से, क्योंकि अभी सभी लोग एक साथ ही आएंगे ना तो फिर नहा नहीं पाएंगे इसीलिए। सो गाइस फाइनली अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, और अभी सब लोग आधा लग गया है, आधा लगना बाकी। और ये देखिए गाइस मेरे हाथ को क्या हो गया है, ऐसे से मेरे पैर में भी हुआ है पूरा, कब से मैं पानी में थी ना इसलिए। ये देखिए और दूसरे वाले हाथ में भी हुआ है। कैसा लग रहा है? तो अभी वो लोग लगा रहे हैं, मेरे को सच में लगाने नहीं आ रहा था, ना मैंने कभी ट्राई किया ना मेरे को आ रहा था। मैं ट्राई की मैं थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से लग नहीं रहा था। मैंने बोला फालतू का बेकार करना है इसलिए जाने दो, चलती हूँ घर। मैं नहा धोकर रेडी ही हो जाती हूँ, अभी मैं आपको छत से दिखाती हूँ, अगर दिखेगा तो। मैं उस साइड से चलती हूँ
अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना लगा है और कितना बाकी है लगना। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर अभी सब लोग लगा रहे हैं, ये देखिए इस साइड सब लोग लगा रहे हैं, उस साइड और इधर शायद लग गया है, इस साइड अभी रह गया है बाकी लगना, यहाँ पर लग रहा है पूरा। तो मैं आ गई, अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने और खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद पढ़ूँगी। मेरी आँखें ऐसा लग रहा है मुझे सूजी हुई है, और प्लस ये हाथ देखिए कैसे हो गए, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहेगा अब। और मेरे नेल भी थोड़े बड़े बड़े थे तो उसमें भी ना जो मिट्टी है वो चली गई थी, तो मैंने नेल भी काट दिए पूरे, ये देखिए कितने छोटे छोटे कर लिए हैं मैंने। और आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करती हूँ, अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्ट।